जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित मिसल रुबेला के टीकाकरण को लेकर हुई चर्चा। अजमेर में 8 लाख बच्चों को लगेगा टीका। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मिसल रुबेला के टीकाकरण को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर रामलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 2 करोड़ और अजमेर में 8 लाख बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। इस बीमारी की वजह से भारत में हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौत होती है। स्कूल एनजीओ और क्रेच सभी जगह जाकर बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। मीजल्स रुबेला एक संक्रामक बीमारी है और इसमें पूरे भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यानी पूरी दुनिया में 3 बच्चों में से 1 बच्चा भारत का होता है। और इसके लिए आज अजमेर में ज़िले की कलेक्टर साहब की चेयरमैनशिप में DTPI एक मीटिंग की गई, जिसमें पूरे मीजल्स रुबेला कंपेन के लिए प्लानिंग कैसे की जाए और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए ये चर्चा की गई। और इसके तहत हम सभी 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे सरकारी स्कूल्स में, निजी स्कूल्स में, क्रेच में, मदरसे में, कॉन्वेंट स्कूल्स में, उन सब बच्चों को हम कवर करेंगे। और इसके लिए अजमेर ज़िले का 8.5 लाख टारगेट है और जितने भी NGOs हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, ICDS है, पंचायती राज है, नेहरू युवा केंद्र है, इन सब के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अभी ये मीजल्स रुबेला कैंपेन का 8वां चरण लास्ट चरण है, जिसमें राजस्थान है, दिल्ली है और सिक्किम है। इन स्टेट्स का 10 करोड़ का टारगेट है और राजस्थान में 2 करोड़ बच्चों का टारगेट है। डॉक्टर रामलाल आशीष चौधरी। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो मीजल्स रुबेला का टीकाकरण अभियान 22 जुलाई से होने वाला है पूरे राजस्थान प्रदेश में और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर चर्चा की गई और इसमें विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य किया जाना है और करीब 8.5 लाख बच्चे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनको कवर किया जाना है, इसके रूपरेखा पर चर्चा की गई और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना है और कैसे प्लान बनाना है वो हम लोगों ने आज फाइनलाइज कर लिया है। इसके साथ साथ सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य केंद्र पर और हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में टाइम पे उपस्थित होएं, और चूँकि गर्मी का समय है ये भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ जो भी कूलर और पंखे वगैरह ख़राब हैं उसको ठीक करा लें और समय पर उपस्थित हों, और जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में उन सभी में जो है अच्छा परफॉर्म करें और अजमेर डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके आए। सर, ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर दिक्कत आ सकती है, इसके लिए कुछ? हाँ, वो हम लोगों ने प्राइवेट जो स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ हम अलग से बैठ के चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी कराएंगे, पेरेंट्स को भी एक एक पेरेंट्स को इसके लिए कन्विंस करने का प्रोग्राम बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें 100% हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।